जी महाराज जी जो चीज बोलते हैं वो सच बताते हैं हैं अच्छा। अगर का पूछा तो जाए बताते सत्य बताते हैं हाँ। जैसे अपने बारे में पूछा जाए कोई कि भविष्यवाणी मेरा क्या है आगे क्या होना है तो सच बताते हैं उनके द्रव दृष्टि से मेरे को दिखाई मिले अच्छा जी अच्छा उनकी द्रव दृष्टि आप देख पा रहे थे उस दिन जी 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 एक दिन के लिए आप पूरा देख पा रहे थे जी जी अच्छा कुछ कहा था मैया ने हाँ मैया की कृपा से ही मेरे को सब कुछ ज्ञान भजन इत्यादि कुछ भी है टूटा फूटा उसी कृपा से वो एक साथ उसी दिन में याद हुआ जी नमस्कार साथियों आपका दोस्त आपका भाई आपका साथी मैं कने शर्मा संतों का चरणों का दास जैसे कि आपको सबको पता है मां नर्मदा के तट पर जो संत रहते हैं उनके मैं दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ और आज मैं जिनके दर्शन करवा रहा हूँ जिनकी ये कुटिया है यहाँ पर सूरदास जी रहते हैं जी हाँ हालांकि उनका नाम क्या पता नहीं लेकिन उनका ज़्यादातर लोग सूरदास जी कहते हैं उन्होंने बच्चापन से सन्यासी हैं और उन्होंने किस उम्र में सन्यास लिया ये मुझे पता नहीं लेकिन कह रहे हैं ये भजनानंदी है और इन्होंने सूरदास होते हुए भी था, अपने ठाकुर जी का माँ नर्मदा का दर्शन किया है और जीवन का बड़ा ही इनका अनुभव है और ये किस प्रकार के संत है मैं आपको इस वीडियो में पता चलेगा लेकिन आप सभी से कहूँगा हमारी धर्म की यात्रा को लेकर जो भी विचार हो कमेंट कर देना अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना और आप जैसा आप देख पा रहे हो ये कोई संग्रह नहीं किया हाँ, और

अब आपने सूजी दवाई जो कुछ है लगता है तो लाइक लगवा दिए मिनट आराम होता है दस महीनों से कम तो से कम तो एक साल मान चलिए तब आ, से कुछ भग... आप यही क्या यहाँ पर कुछ गांववासी हैं जो इनका बताऊंगा महाराज जी के बारे में पहले इनसे बात करते हैं जो महाराज जी है जो सूरदास जी है महाराज जी सूरदास जी महान प्रकार के संत हैं जो कि अपने जंगल में उनकी कुटिया रहा और अभी यहाँ एक आध महीना से जो है नर्मदा किनारे शिष्य अपने शिष्य के साथ में जो है गुरु जी रह रहे हैं ये तो तपस्याधारी है चमत्कारी तो, तो उन्हें नहीं देखा इतना है कि उनमें चमत्कारी है जी जी महाराज जो चीज़ बोलते हैं वो सच बताते हैं महेशवाणी अगर का पूछा तो जाए सत्य हाँ जैसे अपने बारे में पूछा जाए कोई कि भविष्यवाणी मेरा क्या है आगे क्या होना है तो वो सच बताते जैसे ये कह रहे हैं जो महाराज जी बताते हैं वो सत्य बताते हैं ये बड़ी दुर्लभ बात है महाराज जी के हम सत्संग लेंगे पहले महाराज जी की मैं छोटी सी कुटिया दिखाता हूँ महाराज जी की सेवा करने वाले ये संत है जो से देख पा रहे महाराज जी की सेवा करते हैं और हमारे भक्तों की सभी की सेवा करते हैं और बड़ा ही सेवा भावी इनका शुभ नाम क्या महाराज जी शुभ नाम श्री बसंत गिरी जी ये है बसंत गिरी जी जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं और यहीं से आप में ये छोटी सी रसोई है इसी पे महाराज अभी चाय बनाई है हम सभी वक्तों के लिए और गाँव वासी और गुरु जी के लिए कुटिया देख पा रहे कच्ची कुटिया देख पा रहा हूँ कच्ची है ऊपर प्लास्टिक है ये और कच्ची कुटिया है कोई ऐसे बांस की कच्ची कुटिया है कोई ऐसे नहीं की बड़ा है। हाँ यहाँ पर एक चैतन धुना जरूर है चैतन धुना जरूर है हम अंदर जैसे आप देख पा रहे हैं चैतन धुना अब हम महाराज जी के दर्शन करने चले आपके यहाँ आए दर्शन करने आपके अरे तो ऐसे भाई। अरे नहीं नहीं महाराज जी मैं तो आपके दर्शन और सत्संग लेने आया हूँ ओम नमो नारायण भगवत तो महाराज जी थोड़ा सा सत्संग दीजिए ना जीवन का अनुभव कैसा रहा आपका है? आपने बचपन से सन्यासी है और आपका जीवन का अनुभव कैसा रहा अब मेरा जीवन में अभी बीमारी है सब सन्यासी का ठंड कर दे तुम क्या बात कर मेरे माता छ महीना से भी खत्म हो गई अच्छा चार पांच साल छ साल के बाद पिता भी खत्म हो गया फिर भाई बगैर रहे फिर हम ज्यादा करके हम हमोल आते जाते रहे मेरे को नानी पालन किया नानी नाना तो वहाँ पास ही में पड़ता था तो वही ऐसे जाते आते रहे जाते आते में फिर क्या हुआ कि नानी नाना फिर चौदह बरस से बीस बरस तक में चारों धाम घुमाए और नर्मदा जी में आकर के हमारे कंटक में सोन का आख्या बनवा के चढ़ा दिया तो वही नर्मदा माँ के कृपा से जो है तो मेरे को थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हो गयी तब हम फिर हमारे भक्तगिरी गुरु महाराज के चरणों में गिर गए धीरे से मैंने संस्कार ले लिए फिर अच्छा जी आप बचपन से नेत्रहीने तो भी आपको भगवान कैसे दिखते हैं जैसे सभी कह रहे हैं आपको सूरदास जी कहते हैं जी। तो बचपन से आप सूरदास जी हैं हाँ। तो आप भगवान को कैसे देखते हो किस रूप में देखते हो क्या आपको बंसीधारी दिखता है धनुषधारी दिखता है या आपको त्रिशूलधारी दिखता है हमको हाँ एक बार दर्शन हुआ है तो मेरे अनुभव से श्याम स्वरूप धनुष लेकर के दर्शन हुई है अच्छा हाँ कैसा कह रहे थे कुछ कह रहे थे क्या जी हाँ वो कहा था कि धीरे से आपको पालन होगा मगर तुम्हारे जीवन काल में बहुत से घटने आएंगे हुँ. लेकिन आप मेरे को नहीं छोड़ना तो थी, धीरे मैं पार उतार कर दूंगा और एक बार माँ दर्शन दिया है नर्मदा माता जी कैसे रूप में वो करीब चौदह सोलह साल की अवस्था में दी है अच्छा हाँ कैसे दिखाई देते थे वो उनकी द्रव दृष्टि से मेरे को दिखाई मिले। अच्छा जी अच्छा उनकी द्रव दृष्टि आप देख पा रहे थे उस दिन जी 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 एक दिन के लिए आप पूरा देख पा रहे थे जी 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 अच्छा कुछ कहा था मैया ने हाँ मैया की कृपा से ही मेरे को सब कुछ ज्ञान भजन इत्यादि कुछ भी है टूटा फूटा उसी कृपा से वो एक साथ उसी दिन में याद हुआ जी अच्छा तो जैसे आपने भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है आपके नजरों में भक्ति भगवत प्राप्ति का क्या मार्ग है आपने जीवन का मेरे जीवन को यही है मैं ज्यादा करके माल माँ से कहूँ माता पाई तो बहुत से ज्ञान है बहुत से अथाह है बहुत से पूजन भजन है आरती है इत्यादि है विशेषता मेरे अनुभव नहीं हो पाएगा तो कैसे मैं आपको तेरे जीवन के निर्वाह के लिए भजन प्राप्त कर दूंगा अच्छा। तो मैं पहले हारमोनियम बजाता था, था भजन भी गाते थे अच्छा जी आए कोई छोटा सा भजन की कड़ी सुनो ना गुरु जी एक छोटी सी कड़ी सुनो ना भजन की एक छोटा कड़ी हरि हाँ। भजन बिना सुख नहीं रे नर क्यों वृथा भटकाई रे हरि भजन बिना सुख नहीं रे नर क्यों वृथा भटकाई रे काशी गए द्वार खा जाए चारों धाम तीरथ फिर आए पर मन का मैल न जाई रे भटकाई रे हरि भजन बिना सुख ना ही रे नर क्यों व्रथा भटकाई रे महाराज जी अभी आपके दर्द होता है क्या कमर में कमर में दर्द हो रहा है क्या ज्यादा हाँ जी हाँ कमर में दर्द है डॉक्टर को दिखाया डॉक्टर हाँ, को दिखाए सब कुछ किए मगर वो दर्द जाता नहीं मेरे है मेरे अनुभव के ऐसे अनुभव है हाँ। कि कोई बीमारी ही पकड़ लिया है तो वो जाता नहीं अच्छा हाँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई पारब्द आपका या शिष्य का कष्ट आपने लिया ऐसा होता है <laughs> लेकिन सत्य में तो यही होता है कि जब जब संको संतों हाँ, पर जो संकट आते हैं वो शिष्यों का भक्तों का ही होता है हाँ देश का संकट अपने ऊपर ले लेते हैं। जी। और कोई मार्गदर्शन कुछ कहेंगे महाराज जी मार्गदर्शन हम क्या कहें हमारे मार्गदर्शन एक बात यही है कि बैरागी चार प्रकार के होते हैं कौन कौन से ध्यान बहरा उतरे ज्ञान बहरा जगमा सार मन बहरागी झंझकदार पेट बैरागी खे <laughs> ब महाराज जी जी महाराज जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ महाराज जी से सत्संग इसलिए ली क्योंकि महाराज जैसे नर्मदा की परिक्रमा कर रहा था और महाराज जी से मैं सत्संग ले रहा जी क्योंकि महाराज जी से अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं बच्चापन से सूरदास जी हैं बचपन से देखा नहीं है किसी कोई कलर नहीं जानते फिर भी इन्होंने दर्शन किया मैया के दर्शन किया हमारे श्री धनुषधारी श्री राम जी के जी। और महाराज जी कोई कैसे अनुभव हुआ जीवन में कोई ऐसा जो बिना नेत्र को भी आपको दर्शन हुआ हो वह तो कृपा उन्हीं का है, है कहते हैं। एक हम भजन सुनाते हैं हाँ। अचरज अच्छा देखा हूँ भारी साधु अचरज अच्छा देखा हूँ भारी बिना भूम के महल बनाए तामे जोत उजियारी अंधाधिक सब सुख साधु अचरज अच्छा देख mm. बात बताते सा, सारी साधु अचरज अच्छा देखा हूँ भारी तो ये तो वो ईश्वर का कृपा होता है सत्य बात है जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं संत महात्मा जी कह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा सही है और सत्य बात है और ये संतों पे जब संकट आता है या कोई स्वास्थ्य संबंधित आता है मैं ये कह दूँ ये तो कहता हूँ कि ठीक है आ गया संकट अच्छी बात है चाहिए ऐसे ऐसे घुल जाऊँ इससे कोई मतलब नहीं कम से कम नहीं था अगर न संकट आता तो दो टाइम तो आप बहुत आरती पूजे इत्यादि कछू कर लेते हाँ. और सो, सो है तो भगवान का तो याद रहता है भूलते नहीं है भूलता नहीं है अच्छा किया है अच्छा हाँ जैसे महाराज जी कह रहे हैं अच्छा किया तो महाराज जी से मैंने सत्संग लेने की कोशिश की आपको किस प्रकार लगी मुझे जरूर बताना और वैसे इनको सूरदास जी भी कहते हैं यहाँ पर और महाराज जी की सत्संग ली किस प्रकार लगी मुझे जरूर बताना फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ तब तक जय हिंद वंदे मातरम नरबदेहर हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं जय गुरुदेव जय श्री ग